भारत ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। गुरुवार 27 अक्टूबर को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 56 रन से हराया। टीम की जीत में एक बार फिर हीरो बनकर उभरे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। दोनों के बीच शानदार साझेदारी की बदौलत नीदरलैंड्स के सामने टीम इंडिया ने मुश्किल लक्ष्य रखा। मैच में विराट कोहली ने नाबाद 62 और सूर्य कुमार यादव ने महज 25 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की। सूर्य कुमार के मुताबिक उन्हें रन गति को तेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने मैच के बाद कहा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता था और अपने तरीके से खेलना चाहता था। मैं जब बल्लेबाजी करना जा रहा था तब मुझे ये संदेश दिया गया कि हमें प्रति ओवर 8 से 10 रन बनाने हैं, जिससे हमारे बॉलर्स को डिफेंड करने में आसानी हो। आज कंडीशंस ठीक थी, मुझे बस उस समय रन गति बढ़ानी थी, इसलिए सेट होने में मैंने सिर्फ एक गेंद ली। साथ ही उन्होंने विराट कोहली के साथ बैटिंग को लेकर कहा कि उनके साथ क्रीज पर मजा आया। उन्होंने कहा, विराट कोहली के साथ बैटिंग करके काफ़ी मज़ा आया। हम लोग जब क्रीज पर थे तो मेरी मानसिकता यही थी कि मैं शुरुआत में तेज़ी से बैटिंग करूं और बड़ी पार्टनरशिप की जाए। हम लोग ऐसा करने में सफल रहे। मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 11 के स्कोर पर KL राहुल के रूप में टीम का पहला विकेट गिरा। राहुल 9 रन बनाकर LBW आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 73 रन की पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा 39 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसके बाद बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर 48 गेंद पर 75 रन की नाबाद साझेदारी की। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 179 रन बनाए। विराट कोहली ने इस मैच में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 44 गेंद पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंद पर धुआंधार 51 रन की पारी खेली। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स को भुवनेश्वर कुमार की धारदार बॉलिंग का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर ने अपने शुरुआती दोनों ओवर मेडन डाले और ओपनर विक्रमजीत सिंह का विकेट भी हासिल किया। इसके बाद नीदरलैंड्स की टीम कभी भी नहीं संभल पाई और नियमित अंतराल पर विकेट खोती रही। बीच के ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल, अश्विन, जबकि आखिरी के ओवर्स में अर्शदीप सिंह ने कमाल की बॉलिंग कर नीदरलैंड्स को मैच से दूर कर दिया। टीम 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और अश्विन ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि शमी को 1 विकेट मिला। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। ललन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है ललन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप ऐप पर।